मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 6 माह से नहीं मिला वेतन। सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड के कर्मचारियों ने की हड़ताल। आपको बताते चलें, सैटेलाइट बस स्टैंड के पास सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड पंप पर कार्य करने वाले 17 कर्मचारियों ने सोमवार सुबह हड़ताल कर कार्य बहिष्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों का वेतन पिछले 6 महीने से रुका हुआ है। काफ़ी बार मांगने पर भी उनका पैसा नहीं मिला, जिसको लेकर कर्मचारियों ने रोष व्याप्त है। इस बारे में जब पेट्रोल पंप के मैनेजर जितेंद्र गौतम से बात करना चाहा तो उन्होंने बात करने के लिए साफ मना करते हुए बताया कि उनके किसी भी बारे में बोलने के लिए अधिकार नहीं है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनका पैसा नहीं मिलेगा तब तक कार्य बहिष्कार रहेंगे, क्योंकि उनको मिलने वाला वेतन ही एकमात्र परिवार पालने का साधन है। मौजूदा कर्मचारियों ने रिजवान, नफीस, अजहर, राजीव कुमार सक्सेना, सुरजीत कुमार, जगदीश, संतोष कुमार सक्सेना, आलोक कुमार सक्सेना। मेरा नाम अंशुल चतुर्वेदी और मैं यहाँ पर DSM हूँ। और क्या है कि मतलब कि छठा महीना भी चल रहा है, दिसंबर से जो वेतन नहीं आया यहाँ पर, और अभी न्यूज़ में अखबार में निकली भी थी, तो क्या कहते हैं उसके बाद में मैनेजर जो हमारे हैं गौतम जी, उनने ये बोला था कि मतलब कि आधे लोगों की सैलरी दे दी है और आधे लोगों का अभी वेतन मतलब सैलरी नहीं आई है, समझे। और उसके बाद में क्या है, सैलरी जो है किसी भी बंदे की आई नहीं है तब से, और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वहाँ से। कह देते हैं कि बैंक की मतलब SBI की मोहर लगा के कि तुम्हारी सैलरी देखो ये मतलब वहाँ से पास हो गई, आ जा जाएगी कल आ जाएगी, आ जाएगी कल आ जाएगी, और तब से जो है मतलब छठा महीना चालू हो गया और सैलरी अभी तक नहीं आई है। और हम लोग जो निरंतर रूप से अपना काम कर रहे हैं, और आज जब ज़्यादा मतलब कि हम लोगों पर मतलब कर्जा वर्जा हो गया और समस्या आ गई बहुत से, मतलब जैसे घर भर का खर्चा वर्चा नहीं चल रहा, तो इस चक्कर में हम लोगों ने जो है कम पर अपनी हड़ताल करी है। किस नाम से? सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड। जी उपेंद्र सिंह जी। सर DSM पद पर जी सर सैलरी नहीं आ रही, 5 महीने हो गए, बड़ी दिक्कत हो रही है। खाने पीने कमरे किराए पर रह रहे हैं, किराया तक नहीं निकल पा रहा है। सर 40-42 लड़के हैं यहाँ पे, सभी नहीं है, कैशियर भी हैं सब। हाँ, कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, आ जाएगी, बस कोई आने के लिए तैयारी नहीं है। राजू, क्या मामला, क्या समस्या आ रही है पेट्रोल में? 6 महीने से सैलरी नहीं आई सर। कहाँ काम करते हैं? सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड में। हमेशा यही कहा जाता है एक दो दिन में आ जाएगी, 6 महीने हो गए, सैलरी आने का नाम ही नहीं है। अधिकारी लोग अपने आप में मूड मेड़ लेते हैं। कितने कर्मचारी होंगे? 40, करीब 40 लोग हैं। सबका रुका हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर है। किस पद पर हैं आप? DSM। कब से वेतन मिल गया? दिसंबर से। अधिकारी संपर्क करा आपने? संपर्क करा, कोई ये आज कल में डाल देते हैं। आज हड़ताल कर देंगे आप? आज हड़ताल। कब तक रहेगी हड़ताल? ये नहीं पता कब तक रहेगी, ये नहीं पता कब तक रहेगी। आज हड़ताल शुरू है ना? सुजीत सिंह यादव। किस पद पर है? DSM है। क्या समस्या है? समस्या बस एक ही है, 5 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है और सब इतना कर्जा हो गया है, क्या बताएं आपको, सारी हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी मुंह मोड़ ले रहे हैं, अभी आप बात करोगे वो बात करने को राजी नहीं है। काम हम जब ही चालू करेंगे, जब हमारे पूरे पैसे आज आ जाएंगे तभी हम कल से काम चालू करेंगे, वरना अन्यथा हमारा काम रोक दिया जाए। आज हड़ताल, हड़ताल पे बैठ गए हम, समझ लो। राजीव, कैशियर पे समस्या क्या है? अभी लोगों की नहीं आई, हम लोग किसी भी जितने भी वर्कर हैं यहाँ पे उन किसी की 5 महीने से नहीं आई, जनवरी से।